ब्रेक के बाद आपका है। फिलहाल रुक अगली खबर का। मुंबई में गर्मी की शिद्दत इंसानों के छक्के तो छुड़ा ही रही है, वहीं परिंदों पर भी गर्मी कहर बनकर बरस रही है। परिंदे इतने बेहाल हैं कि वो दो घूंट पानी के लिए दर दर भटकते रहते हैं, जिसकी वजह से कई परिंदे इस गर्मी में अपनी जान गंवा बैठे हैं। इन दिनों गर्मी ने अपना मिजाज दिखाना शुरू कर दिया है। तापमान में इजाफे के साथ गर्म हवाओं के थपेड़ों ने पक्षियों पर ऐसा कहर ढाना शुरू कर दिया कि वो दो घूंट पानी के लिए दर दर भटकते रहते हैं। कुछ परिंदे मीठी नदी और तालाबों के दामन में जाकर अपनी प्यास बुझाते हैं। मुंबई में बेमौसम गर्मी उनके लिए मुसीबत बनी हुई है। तो धूप से वजह से आदमियों की क्या हालत होती है, ये हम खुद को जानते हैं, हमारी आत्मा जानते हैं, पर हम लोग ये भी सोचने के लिए कभी मजबूर नहीं होते हैं कि हमारे से कहीं छोटे जीव इस पृथ्वी पे है। जैसे स्पैरो जैसे जो छोटे जीव है, पंछियां है, इनकी अवस्था क्या होती रहेगी? क्या इन्हें किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है? क्या इन्हें दो बूंद पानी की ज़रूरत नहीं है? क्या इन्हें रखना हमारी जवाबदारी नहीं है? गर्मी के कारण छोटे छोटे पक्षी, कबूतर, कौवे दरख्तों की शाखों और टेरेस पर बैठकर गर्मी से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन गर्म हवाएं उन्हें झुलसा रही हैं, जिसकी वजह से पक्षी डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहे हैं। डिहाइड्रेशन की वजह से पंछी दो बूंद पानी के लिए दो दो किलोमीटर, आठ आठ किलोमीटर घूमते हैं। दो बूंद पानी उनको कहीं पे मिलेगा तो फिर वो जाते तो है इतने लंबे, पर वापस कैसे आने का वो उनको पता नहीं होता है। पता होने के लिए उनके बदन में वो ताकत नहीं होती है कि वो आने जो जगह से गए हैं उस जगह पे वापस आ सके। वैसे मौसम विभाग कहता है कि अभी तो शुरुआत है, आने वाले दिनों में गर्मी की शिद्दत और बढ़ सकती है। ऐसे में इंसान अपने लिए पानी तो हासिल कर लेता है, लेकिन इन परिंदों की किसी को परवाह नहीं। यही वजह है कि ये बेजुबान परिंदे दो घूंट पानी के लिए मारे मारे फिरते हैं। वैसे मुंबई से पक्षियों का मोह भंग हो गया है और ढेर सारे परिंदे माया नगरी से लुप्त हो चुके हैं, क्योंकि बदलते दौर ने परिंदों का आशियाना छीन लिया है। अगर आप चाहें तो घर, आंगन, गैलरी, बर्तन में पानी रखकर बचे हुए पक्षियों की जान को बचा सकते हैं। शमशाद अहमद के साथ नीरजा शर्मा, समय मुंबई। बुलेटिन में यहाँ हम रुकेंगे कुछ पलों के लिए, लेकिन जब लौटेंगे ब्रेक के बाद तो नजर डालेंगे कुछ और खास खबरों पर। आप बने रहिए समय मुंबई के साथ।